नमस्कार मेरा नाम हिमांशु तिवारी स्वागत करता हूं आपका तारीख आज 17 जून 2020 और आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स स्पोर्ट्स की सीरीज और टॉपिक है आज फुटबॉल क्या आप जानते हैं चाइना में फुटबॉल को किस नाम से जाना जाता है इसका नाम है सूचू सूचू गेंद को पैर से मारना इसका क्या मतलब होता है सूचू क्या आप जानते हैं कि इसको शॉकर के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा भारत में फुटबॉल की क्या कहानी है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे संतोष ट्रॉफी कन्फेडरेशन कप डंड कप यूरो कप वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में फुटबॉल इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्या आप जानते हैं कि भारत की रैंकिंग फोर्थ थी ओलंपिक में और बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि भारत के पास जूते नहीं थे क्या नहीं थे भारत के पास जूते नहीं थे फुटबॉल को खेलने के लिए क्या आप इस बात पर भरोसा कर पाते हो कि हमारे खिलाड़ियों के पास खेलने के लिए जूते और सामान नहीं थे इसलिए हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और हमको वापस लौटा दिया गया कहीं यह भारत की गरिमा को नीचे गिराने के लिए कहानी तो नहीं बनाई गई इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा आपसे पूछूंगा दोस्त कि तुम बताओ तुमको क्या लगता है चूज करने का पॉइंट आपके पास रहेगा कि क्या सच में भारत की गरिमा को नीचे गिराने की कोशिश की गई थी सिर्फ यह कह कहकर के भारत के पास जूते नहीं थे बहुत बड़ी बात है वो भी आजादी के पांच छह साल बाद ऐसी हरकत की गई चलिए हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आज का टॉपिक है फुटबॉल शुरू करें तैयार हो जाइए लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स मेरा नाम हिमांशु तिवारी लिस्ट उन एग्जाम्स की जो मैंने अपने जीवन में क्वालिफाई किए हैं और ये कुछ टॉपिक्स जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं स्पोर्ट्स रोजगार निर्माण एडिटोरियल और राइटिंग प्रैक्टिस ये मेरा अन एकेडमी का प्रोफाइल है तो इसको फॉलो कर लीजिएगा ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं अगर आप सीरियस हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं पंद्रह तारीख से और चौबीस तारीख से ये इंडियन पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर जो मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी चल रहा है दो बैचेज अब एक चौबीस वाला आने वाला है अगर पंद्रह का छूट गया हो तो चौबीस वाले में ज्वाइन कर लो ठीक है कैसे ज्वाइन करना है डाउनलोड करना है एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है गोल और डालना है क्या कोड एच के टी लाइफ और फीस हो जाएगी आपकी कितनी एक साल की तिरसठ सौ और दो साल की कितनी हो जाएगी सात हजार पांच सौ साठ कोड लगाना मत भूलिएगा ये इंपॉर्टेंट है नहीं तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा एच के टी लाइफ कोड है दस परसेंट का डिस्काउंट तो आप ज्वाइन कर लिए हैं ऐसा मैसेज आएगा आपको और इसमें अगर दो साल वाला करेंगे तो लिख कर क्या आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव ज्वाइन फॉर ट्वेंटी फोर मंथस और बारह महीने का करेंगे तो क्या लिख के आएगा कांग्रेचुलेशन यू हैव ज्वाइन फॉर ट्वेल्व मंथस क्लियर है चलिए फुटबॉल तो बाबू सबसे पहले हम तुमको बताएंगे कि उसका जो मैदान होता है वो किस तरीके का होता है ठीक है तो सब जो पहले की जो मैदान है उसका चौड़ाई और लंबाई लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है कितनी चौसठ या 110 और 75 तो ये दो सेक्शंस में बोल सकते हो कि 110 मीटर और चौसठ मीटर और एक हो सकता है 110 मीटर और पचहत्तर मीटर तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है. है ना 100 के साथ चौसठ और 110 के साथ पचहत्तर तो ये याद रखिएगा दूसरा सवाल बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि बाबू बताओ गोलपोस्ट की ऊंचाई कितनी है है ना गोल पोस्ट की कितनी ऊंचाई है तो गोल पोस्ट ऊंचा होता है आठ फुट आठ फुट ऊंचा होता है गोलपोस्ट लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बाबू बताओ जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि हम हैं ऊंचाई अगर आठ फुट है तो आपको कुछ नहीं करना तीन से इसको मल्टीप्लाई कर दो बोल देना साहब चौबीस फुट होती है क्या चौड़ाई क्लियर है अगर मीटर में निकालना चाहते हो तो दो दशमलव चार चार तीन से मल्टीप्लाई कर दो लगभग सात दशमलव तीन दो मीटर तो ये मीटर वाला कन्वर्जन याद रखना या आठ फुट ये याद रख लो आठ फुट गुड़े तीन चौबीस चौड़ाई और ऊंचाई कहने का मतलब है ऊंचाई कम है और चौड़ाई ज्यादा है किसकी गोल पोस्ट की क्लियर है आगे देखो बाबू तो ये रहने दो तो ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है मैदान इसका आयतकार होता है अच्छा गेंद का वजन देख लो तो आधा किलो के आसपास होता है लेकिन 400 ग्राम से लेकर के साढ़े चार सौ ग्राम तक होता है कितना 400 ग्राम से लेकर के साढ़े चार सौ ग्राम तक होता है 45, 45 मिनट के दो हाफ होते हैं वही जाओ जी लो तुम अपनी जिंदगी 90 मिनट तुम्हारे जीवन के तुमसे कोई नहीं छीन सकता तो शाहरुख खान ने हॉकी में बोला था सत्तर मिनट और यहां कितना है नब्बे मिनट क्लियर है तो याद रखिएगा बस इतना सब याद रखिए चलो अब मैं तुमको बता देता हूं ये कैसा कैसे हम लोग इसका थोड़ा फिगर वगैरह चेक कर लेते हैं इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि पेनाल्टी स्ट्रोक कितने दूरी से लिया जाता है ठीक है तो वो और इंपॉर्टेंट है देखो तो बाबू एक तो सबसे पहले तुम देख लो यहां पर अच्छा चलो इसमें नहीं इसमें देखते हैं यहां पर देखो तुम सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये पेनाल्टी स्ट्रोक कि पेनाल्टी स्ट्रोक कहां से लिया जाता है फुटबॉल का मैदान ऐसा होता है देखो ये मैक्सिमम कितना दिया हुआ है यहां पे 90 मीटर और यहां पर दिया हुआ है मैक्सिमम 120 मीटर तो ये जो मैदान की लंबाई चौड़ाई है ये अपने आप से डिपेंड करती रहती है इधर उधर होती रहती है तो इसमें ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है ठीक है जैसे क्रिकेट के मैदान की लंबाई चौड़ाई चेंज होती रहती है हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई चेंज होती रहती है इसी प्रकार से फुटबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई चेंज होती रहती है मैक्सिमम एक है और मिनिमम नब्बे क्लियर है तो लंबाई चौड़ाई इसी के आसपास रहेगा तो अगर ये सौ है तो आप मान के चलो कि वो अस्सी uh, सत्तर इस तरीके से रहेगा क्लियर है चलो अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि फुटबॉल में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से लिया जाता है पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से लिया जाता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत बार पूछा जाता है देखो ये हो गया बारह यार्ड तो ये वो डिस्टेंस है जहां से पेनाल्टी स्ट्रोक लिया जाता है तो ये कितने दूरी से लिया जाता है दोस्त ये प्लीज नोट इट डाउन अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लेना बारह यार्ड से लिया जाता है पेनाल्टी स्ट्रोक यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हॉकी वाला याद है आपको हॉकी वाला भी मैंने आपको बताया था बताइए 4.67 मीटर है हॉकी वाला और इसका कितना है 12 यार्ड रट लेना यह किसी भी एग्जाम में सीधा सवाल आएगा कि फुटबॉल में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से लिया जाता है तो ये सॉकर फील्ड का पहला डायमेंशन हो गया ये पेनाल्टी एरिया है ये गोल एरिया है क्लियर है ये गोल लाइन है ये बाकी सारी चीजें हैं लेकिन ये तुम्हारे जानने की आवश्यकता नहीं है बस तुम गेंद का वजन याद रखो फील्ड के डायमेंशन याद रखो और पेनाल्टी स्ट्रोक याद रखो गोल की हाइट कितनी है आठ चौड़ाई कितनी है चौबीस बस इसके अलावा और सवाल इसमें बहुत ज्यादा पीएससी लेवल पर नहीं बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत इतिहास की थोड़ा बहुत इतिहास देख लो हम लोग बहुत ज्यादा तो इतिहास में नहीं जाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब जो बाहर के सिस्टम है उससे ज्यादा सवाल इसमें नहीं बनता है भारत के फुटबॉल से रिलेट करके ज्यादा सवाल बनता है तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल है कहां से ओरिजिन हुआ इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन शॉकर के नाम से जाना जाता है और सबसे पहला जो फुटबॉल था वो कहां खेला गया था मिस्त्र में खेला गया था कहां खेला गया था मिस्त्र में खेला गया था आगे देखो आधुनिक फूल जो फुटबॉल है उसका जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड को अब इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों देखो जो आधुनिक खेल है जितने भी आधुनिक खेल तुम देखोगे ना उस सबका जन्मदाता क्या रहेगा इंग्लैंड रहेगा ये बात ध्यान रखना मैक्सिमम खेलों का जो जन्मदाता है वो कौन रहेगा इंग्लैंड है? है चीन में इसे सूचू के नाम से जानते थे किसके नाम से जानते थे सूचू किसके नाम से जानते थे सूचू के नाम से जानते थे? थे? थे और सूचू का क्या मतलब होता है गेंद को पैर से मारना या पैर से गेंद मारना ठीक है तो ये ये कभी कभी पूछ सकता है तुमसे अब ये बहुत ऑकवर्ड सा सवाल है अगर यह बनेगा तो कुछ ही लोगों से बनेगा सबसे तो बनने वाला है नहीं क्योंकि सूचू, किसको पता है फुटबॉल को सूचू के नाम से जाना जाता था। चाइना में जिसका शाब्दिकौबीस अक्टूबर अठारह सो संतावन में फुटबॉल का पहला क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब के नाम से इंग्लैंड में बना था तो फुटबॉल का पहला क्लब अगर पूछेगा तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो कि इंग्लैंड में बना था अब ये कुछ चीजें हैं लंदन फुटबॉल एसोसिएशन रग्बी फुटबॉल यूनियन और पहला अंतरराष्ट्रीय मैच एक नवंबर अठारह याद करने की जरूरत नहीं है बस तुम्हारे सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं मैं ठीक है कुछ मत नोट डाउन करना फुटबॉल की पहली लीग अठारह इंग्लैंड के बाहर पहला फुटबॉल संगठन अठारह 1876 और अठारह सो में आयरलैंड में फुटबॉल संगठन की स्थापना हुई है ना बस देखते रहो किस तरीके से क्रोनोलॉजी चल रही है 1864 अब यहां पे थोड़ा सा देख लो 1864 में एक रूल बना जिससे जो फुटबॉल है ना उसको आप हाथ से नहीं छू सकते हो ठीक है अगर हा, हाथ से छूगे तो हैंड हो जाएगा फिर वो फ्री हेड मिल जाएगा ठीक है तो ये हैंडल करने का प्रतिबंध लग गया अठारह में पहले लोग छू लेते ले थे फिर अठारह में गोल पोस्ट बना कब बना अठारह में बना गोल पोस्ट फिर उसके बाद 1874 में जो गोल किक है या कॉर्नर किक है उसके माध्यम मैंने कॉर्नर किक समझते हो फील्ड के एक कोने से जाके लास्ट से जो बॉल मारी जाती है कॉर्नर किक 1875 में आओ 1875 में फुटबॉल मैच में टेप के स्थान पर क्रॉस का प्रयोग होने लगा आगे देखो तो ये सारी की सारी चीजें कुछ कुछ चीजें हैं जो कि अठारह में देखो गोल पोस्ट में जाली लगी तो ये पूरी डिटेलिंग है फुटबॉल की ठीक है इतना डिटेल में तुम्हारे यहां सवाल नहीं पूछा जाता अब मतलब ये पढ़ लोगे तो फिर तो फुटबॉल के ऊपर कोई भी कुछ कॉम्पिटिशन है वो भी जीत जाओगे है ना प्रॉपर चलो अब हम बताते हैं कि सवाल आता कहां से तो भारत में फुटबॉल अंग्रेजी लेके आए क्लियर है मैक्सिमम जो खेल थे वो कौन लेके आया हमारे यहां अंग्रेज और बहुत सारे खेल जो है अंग्रेज हमारे यहां से लेकर भी गए बताओ कौन सा पोलो जो हॉर्स पोलो होता है ना वो हमारे यहां का खेल है मैंने आपको कहानी सुनाई थी अगर तुमको याद हो हम पोलो पढ़ाएंगे तो मैं उसकी कहानी और सुनाऊंगा आपको ठीक है देखो यहां पे भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली और अंतिम बार 1950 में फीफा विश्व कप में क्वालिफाई किया था परंतु कुछ कारणों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाई थी अब यहां पर दो पॉइंट आते हैं क्या हुआ था उस समय वर्ल्ड कप फुटबॉल में यह कहा गया था उस समय कुछ सीटें थी एशिया को भी शामिल करना था तो 1950 के आसपास बहुत सारे जो देश थे एशिया के उन लोगों ने मना कर दिया कि वी आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट हम नहीं कर सकते हैं बहुत सारे कारण थे उसके ठीक है उस पर हम नहीं जाएंगे बहुत सारे देशों ने मना कर दिया फिर चांस आया किसके पास भारत के पास भारत को बोला गया भारत को बोला गया कि आप पार्टिसिपेट करिए भारत को बोला गया कि आप पार्टिसिपेट करिए अब कुछ कारणवश भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन अब उसके पीछे रीजन क्या बताया जाता है कि भारतीय टीम गई भारतीय टीम गई भारतीय टीम, टीम के पास प्रॉपर किट नहीं थी जूते नहीं थे सामान नहीं था तो इनको वापस भेज दिया गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इट्स अ पॉलिटिकल रीजन आप खुद से सोचो कि एक देश एक देश के पास अपने 10-12 खिलाड़ियों के लिए जूते और कपड़े खरीदने का पैसा नहीं होगा जिसने आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए हूं उसके पास अपने खिलाड़ियों के लिए जूते और कपड़े खरीदने का पैसा नहीं होगा वो भी विश्व पटल पर इतने बड़े खेल में तो इस तरह का रीजन देना बेवकूफी भरा हुआ है और आज के बाद इस तरह का रीजन अगर आपको कोई भी दे तो बोलना ये गलत है क्लियर है इट्स अ पॉलिटिकल रीजन 1951 से उन्नीस के कालखंड को भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग माना जाता है इसके पीछे एक रीजन जो मैं बताता हूं वो आप जरूर बता सकते हो वो ये है कि भारत सरकार ने जब इन लोगों से पूछा कि आप लोग जाने के लिए तैयार हैं तो विश्व पटल पर हमारे यहां से जो खिलाड़ी थे वो इतने ज्यादा तरीके से तैयार नहीं थे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस अभी तुम अचानक से कोई बोल दे कि बाबू अगले महीने पीएससी का पेपर है आप बोलोगे सर क्या मतलब है दे नहीं पाएंगे हम तैयारी ही नहीं है हमारी तो आप नहीं दे सकते हो ना आप मना कर दोगे तुमसे बोले कोई दस दिन बाद तुम्हारा पेपर है सिंपल मना कर दोगे तो सेम वही कंडीशन हुई थी कि वहां पे लोगों ने बोला कि सर अभी हम इस लेवल पे प्रिपेयर नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करें जाके हारने का सीधे सीधे कोई मतलब नहीं है हमें वो खेल नहीं खेलना चाहिए जिसके लिए हमने अभी तक तैयारी नहीं की हो या हमने उस लेवल पे तैयारी नहीं की हो अब तैयारी करोगे तुम एस के एग्जाम का और वन डे एग्जाम का और आप बोलोगे कि हम पी निकाल लेंगे तो ये पागलपन है क्या है ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ले डूबता है क्लियर है तो भारतीय फुटबॉल टीम ने इसलिए मना किया था क्यों क्योंकि इनकी तैयारी नहीं थी उस चीज पर खेलने के लिए विश्व पटल पर यह मेन मुद्दा था ऐसा नहीं है कि हमारे पास जूते नहीं थे हमारे पास किट नहीं थी हमारे पास कपड़े नहीं थे ये एकदम फालतू रीजन है आज के बाद कोई बोले तो उसको बोलेगा कि यह गलत है क्लियर है 1951 से 62 को भारतीय जो फुटबॉल है उसका स्वर्णयू माना जाता है ठीक है हमने 1951 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था देखो अभी 1950 में अगर कोई कह दे कि हमारे पास जूते नहीं थे वेरी गुड तो हमने 1951 में जूते खरीद लिए खेलना भी शुरू कर दिया और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत लिया वेरी गुड ऐसा हो सकता है कभी पॉसिबिलिटी है नहीं है 1956 ओलंपिक्स में देखो हमने चौथा स्थान प्राप्त किया है बताओ ये चार पांच साल में जूते का अंतर है नहीं तैयारी का अंतर है ड्रेस का अंतर नहीं है ये एकदम सिंपल से प्रैक्टिस का अंतर है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो हमने वो डिसीजन बिल्कुल सही लिया ठीक है गोवा में फुटबॉल की शुरुआत अठारह में हुई और यहां का लोकप्रिय फुटबॉल कप सालगांवकर डेपो चर्चिल ब्रदर्स वास्को स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्टिंग क्लब डी गोवा आदि बहुत सारे हैं तो गोवा में बहुत ज्यादा फुटबॉल का प्रचलन है इसके अलावा केरल में फुटबॉल सबसे पहले देखो कहां शुरुआत हुई है अठारह में गोवा में ठीक है उसके बाद अठारह में कहां पर शुरू हुआ है ये केरल में मणिपुर को फुटबॉल का जो है मंदिर कहा जाता है अच्छा मणिपुर से याद आया तो मणिपुर में बता सकते हो कि यहां पे शैव रहते हैं या वैष्णव रहते हैं सबसे ज्यादा शैव या वैष्णव शैव रहते हैं या वैष्णव रहते हैं मणिपुर से याद आया बताओ कुमार स्पोर्टिंग क्लब सिक्किम का स्थानीय फुटबॉल क्लब है कुमार इसके अलावा देखो बाइचुंग भूटिया का नाम तो सब जानते हैं तो इनको सबसे पहला पोस्टर बॉय बोला जाता था इन्होंने हॉलैंड प्रोफेशनल फुटबॉल खेला है और स्थापना कब हुई है कुछ चीजों की हमारे यहां स्पोर्टिंग क्लब की कलकत्ता में अठारह में मोहन बागान और मोहन बागान की स्थापना कब हुई है अठारह में ठीक है और ये भारत का राष्ट्रीय क्लब है पूछेगा तो बता देना ठीक है कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है और मंदिर किसको कहा जाता है मणिपुर को किसको कहा जाता है मणिपुर को आगे देखो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए आई एफ एफ ठीक है इसकी स्थापना हुई है 1987 में याद रहे ऑल इंडिया ए आई एफ एफ ये फुल फॉर्म पूछ, ये पूछ सकता है तुमसे इंपॉर्टेंट है ये ये तुमसे पूछ सकता है आगे देखो विश्व कप फुटबॉल की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे जूल स्रियो फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है और 1930 उरुग्वे से शुरू हुआ था तो सबसे पहले ठीक है इसमें कुल तेरह देशों ने भाग लिया था और जहां पे इसका स्टार्ट हुआ था उसी ने जीता था तो, तो पहला वाला वर्ल्ड कप किसने जीता है उरुग्वे ने जीता ये तुमको याद होना चाहिए अभी तक तो ठीक है फेयर प्ले और ट्रॉफी उन्नीस से शुरू हुई ओके बस अब समझेंगे विश्व कप फुटबॉल किसने किसने जीता है है जहां से आता सवाल अड़तीस के बाद से 42 और 46 में होना चाहिए था वर्ल्ड वॉर हो रहा था होगा नहीं क्लियर है तो दो बार जो है ये रद्द हो गया अब देख लो तुम जो जिन्होंने जीता हुआ है तो सबसे पहले कहला, पहला पहला कब हुआ था 1930 में हुआ था ना तो 1930 में बाबू कुछ ने जीता था वो देखते हैं पेन हम दूसरा यूज कर लेते हैं चलो ओके फाइनल मैच हुआ था उरुग्वे और अर्जेंटीना में और ये जीता है उरुग्वे ने ठीक है फिर उसके बाद ये देखो इटली और फ्रांस में हुआ था फिर दूसरा वेस्ट जर्मनी ये देख लो पूरे सबके विनर्स हैं 1930, सौ तीस उन्नीस सौ चौतीस उन्नीस सौ अड़तीस पचास उन्नीस सौ अंठावन चौवन ये यहां से लेके और ये फाइनल मैचों की टीम है और ये देखो उरुग्वे ने जीता है इटली ने जीता है फिर इटली ने जीता है उरुग्वे ने जीता है ये देख लो ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहला किसने जीता है उरुग्वे ने ठीक है दूसरा किसने जीता है इटली ने तीसरा इटली चौथा उरुग्वे पांचवा जर्मनी छठवां ब्राजील सातवां ब्राजील आठवां इंग्लैंड नौवां ब्राजील 10वां वेस्ट जर्मनी ओके उसके बाद अर्जेंटीना, बारवां इटली तेरवा अर्जेंटीना चौदवा वेस्ट जर्मनी पंद्रहवा ब्राजील सोलवा फ्रांस अच्छा एक फ्रांसीसी खिलाड़ी का नाम बता सकते हो जो जिन्दिन जिदान के चलिए मैंने बता दिया मिनट जस्ट मिनट अ मिनट दोस्तों हां तो देखो उसके बाद पंद्रहवा सत्रवा ब्राजील अठारवा इटली उन्नीसवां स्पेन बीसवा जर्मनी और इक्कीसवां फ्रांस किसने जीता है फ्रांस ने अब अगला कब होगा कहां होगा यह तुम्हारी जिम्मेदारी है मैं तुमको बेस पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स तुमको खुद से करना है नहीं तो इंतजार करना पीएससी से एक महीने पहले मैं तुमको पढ़ाऊंगा क्लियर है अब हम लोग बात करेंगे किसकी अब हम लोग बात करेंगे गोल्डन बूट विजेता की तो ये जो 2018 वाला हुआ था उसमें मिला था हैरी केन को किसको मिला था हैरी केन को ये भी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी सवाल पूछ लिया जाता है तो ये देख लो एक बार 1930 से चालू करेंगे हम तो 1930 वाले तो तुम छोड़ दो रीसेंट वाले देख लो है ना जैसे 2010 का है थॉमस मुलर को 2006 को मिरोसलाओ क्लोज मिरोस्लाओ क्लोज जानते हो कहां के हैं जर्मनी के हैं इन्होंने पांच गोल मारे थे कितने गोल मारे थे पांच गोल मारे थे और ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो तुम लोगों ने देखा होगा मिरोस लाओ क्लोज ठीक है अच्छा एक सवाल और बनता है कि कि किसी एक वर्ल्ड कप में किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड किसके नाम है तो ये देख लो तुम किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड किसके नाम है फुटबॉल वर्ल्ड कप में घुमा के सवाल पूछ लेगा इसका उत्तर क्या रहेगा मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं आएगा एग्जाम में तो बता देना कर लेना ये सब जो जो बोल रहा हूं मैं ठीक है यूरो का फुटबॉल देख लो तो ये भी चार साल में एक बार होता है 1960 में आरोप और यूरो यूरो कप है तो जितने यूरोपीय देश हैं वही भाग लेंगे ठीक है और प्रथम यूर, यूरो, यूरो कप विजेता कौन था सोवियत संघ रूस था ठीक है और जो अभी लेटेस्ट हुआ था उसका पुर्तगाल और फ्रांस है ठीक है अब यहां पे इंपॉर्टेंट होता है तीसरा वाला कोपा अमेरिका कप फुटबॉल 1916 में अमेरिकी देश भाग लेते हैं और यह भी चार वर्ष में होता है कन्फेडरेशन कप देख लो ये फीफा द्वारा होता है 1992 में हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी टाइप है हर दो साल में होता है ठीक है ये कप है बस याद रखना कन्फेडरेशन कप पूछ ले तुमसे कोपा कप पूछ ले तुमसे महिला कप पूछ ले तो ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है ठीक है कोपा कप कन्फेडरेशन कप अब अगला है डूरंड कप ठीक है इसका आयोजन कहां होता है भारत में होता है अठारह से शिमला में पहली फुटबॉल डूरंड कप आयोजन किया गया था शिमला से याद आया मुझे कुछ राजधानी है क्या ब्रिटिशर्स के समय की बताइएगा मुझे कौन से महीने में क्या रहता था ये सब पता होना चाहिए तुमको और शिमला में एक समझौता भी हुआ था उसके बारे में बताओ मुझे इस प्रतियोगिता का सर्वप्रथम विजेता रॉल्स स्टॉक फ्यूजिलियर था ठीक है अब अगला बात करेंगे फेडरेशन कप के बारे में तो ये 1977 में शुरू हुआ ठीक है इसको इंडियन फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है यह हर साल होता है ठीक है फेडरेशन कप हो गया आगे देखो भारतीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 1991 में शुरू हुई 1991 में क्या हुआ था वैश्वीकरण हुआ था क्या भारत के उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे मनमोहन सिंह और उनके साथ उपाध्यक्ष कौन थे प्लानिंग कमीशन के मोनटेक सिंह आलवालिया तो असरदार सरदार और सरकार किसकी थी नरसिम्हा राव की क्लियर है अच्छा इसके पीछे कहानी है मैं तुम्हें तो सुनाता हूं मनमोहन सिंह को रात को फोन आया दस से ग्यारह बजे कि कल सुबह आप तैयार रहिएगा उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे वो आप सुबह पांच बजे तैयार रहिएगा आपको भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनना है और उसकी शपथ लेने के लिए आपको आना है तो मनमोहन सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे लग रहा था कि कोई मजाक कर रहा है मनमोहन सिंह सो गए सुबह पांच बजे गाड़ी आई सरकारी जगाया गया साहब आपको बोला था तैयार रहने के लिए आप सो रहे हैं अभी उठिए तो मनमोहन सिंह उठे सीधे साधे आदमी है उठे तैयार हुए गए उनके साथ मनमोहन सिंह बोलते रहे कि एक हफ्ते तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ और धीरे 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 मुझे समझ में आया नहीं चलो मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन गया हूं तो इतने सिंपल आदमी है मनमोहन सिंह क्लियर है 1991 में आगे देखो संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये संतोष ट्रॉफी का हर साल पूछ लेता है किसी ने किसी एग्जाम में संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है नाइनटीन में स्टार्ट हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है इस प्रतियोगिता में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के निर्देशन में आयोजित होता है ए आई एफ एफ संतोष ट्रॉफी ठीक है तो 1941 याद रखना इंपॉर्टेंट है और ठीक है मध्य प्रदेश ने इसको कभी नहीं जीता यह भी याद रख लेना ठीक है मध्य प्रदेश में इसको कभी भी नहीं जीता है संतोष ट्रॉफी को मध्य प्रदेश ने कभी नहीं जीता है तो अगर सवाल आ जाए कि क्या मध्य प्रदेश ने संतोष ट्रॉफी जीता है आंसर है नहीं ठीक है अब बात करेंगे शब्दावली की तो शब्दावली पूछ लेता है तुमसे तो देखो डिफेंडर डिफेंडर क्या करेगा बॉल को डिफेंड करेगा और ये पीछे की ओर से खेलेगा और सामने वाली टीम में गोल करने से मतलब खुद के अंदर गोल करने से रोकेगा आगे देखो मिडफील्डर तो ये भी ये बीच में खेलता है डिफेंडर पीछे की ओर खेलते हैं बीच में खेलते हैं कौन मिडफील्डर और अटैकर कहां खेलेंगे आगे खेलेंगे इसे फॉरवर्ड भी कहा जाता है अंग्रेजी में ठीक है तो याद रहे आगे देखो फाउल तो फाउल है ये कि जैसे मारना है बॉल आपको पैर से मार दिया हाथ से इट्स अ फाउल या हैंड ठीक है या कुछ और भी बहुत सारे कोई रूल तोड़ दिया आपने तो वो भी फाउल कहेगा इसके अलावा बुकिंग किसी नियम का घोर उल्लंघन करने पर आपको पीला कार्ड दिखाया गया तो ये हो गई आपकी बुकिंग और दो पीले कार्ड दिखा दिए गए मतलब बाहर एक रेड कार्ड हो गया ठीक है अब बात करेंगे एंजरी टाइम की तो देखो इससे क्या होता है जैसे स्टॉपेज टाइम भी कहा जाता है जैसे क्या होता है मान लो कोई किसी को इंजरी हो गई किसी को चोट लग गई तो उस समय क्या होता है खेल रोक दिया जाता है तो जब खेल रोक दिया जाएगा तो उतना टाइम वेस्ट होता है क्योंकि नब्बे मिनट का तो टाइम है मान लो मिनट उसमें निकल गया तो फिर रेफरी के कहने पर नब्बे में फिर दस मिनट जोड़ दिया जाता है सौ मिनट का खेल हो जाएगा समझ रहे हो तो जितना भी टाइम बर्बाद होगा इंजरी टाइम में वो बाद में ऐड कर दिया जाता है लेकिन उसके लिए रेफरी को बोलना पड़ेगा ठीक है ऑफ साइड क्या होता है देखो वह स्थान जिसके पीछे विरोधी टीम को मिला हुआ है ठीक है ना ही गेंद और ना देखिए मतलब एक तरह से ये आप देखोगे बेसिकली तभी आपको ऑफ साइड समझ में आएगा कि ऑफ साइड होता क्या है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अब यहां पर तो मैं आपको एक एक चीज नहीं बता पाऊंगा आप देखिएगा खोल करके यूट्यूब पर सर्च करिएगा ऑफ साइड तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि इसको ऑफ साइड कैसे कहते हैं ठीक है अब बात करेंगे ऑन गोल तो ये होता है सेल्फ गोल खुद ही को गोल मार लिया दैट इज ऑन गोल ठीक है आगे देखो इक्वलाइजर बराबर बराबर कर दिया तो इक्वलाइजर हो गया एक एक गोल दोनों ने मार लिया आपस में बराबर है ठीक है नॉकआउट क्या हो गया हारो और बाहर एक बार टूर्नामेंट में हारे और बाहर पेनाल्टी शूट आउट गोलकीपर है और एक पेनाल्टी मारने वाला आदमी है पेनाल्टी शूट आउट जब कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है तब पेनाल्टी शूट आउट किया जाता है और यहां पे क्या होता है क्रिकेट में सुपर ओवर है ना आगे देखो प्लेऑफ प्लेऑफ मतलब अगले मैच का जिससे पता चले कि कौन सी टीम अगले राउंड में जा रही है क्लियर है अगला पॉइंट देखो गोल्डन गोल तो गोल्डन गोल क्या होता है बाबू मान लो खेल था तुम्हारा नब्बे का। कितने का खेल था बाबू मिनट का खेल था तुम्हारा और जब नब्बे का खेल था और कोई गोल ही नहीं मार पाया नब्बे मिनट में तो रेफरी ने बोला पंद्रह मिनट का और खेल होगा ठीक है तो पंद्रह मिनट में पता लगा किसी ने एक गोल मार दिया तो वो क्या कहलाएगा गोल्डन गोल और ये शुरू कब से हुआ था 1993 से ठीक है चलो तो ये हो गया गोल्डन गोल और कुछ है क्या आप अब और भी देख लो मैं एक बार पढ़ देता हूं मिडफील्ड सेंटर स्ट्राइकर पास बैंक पास कॉर्नर पेनाल्टी किक डायरेक्ट किक किक फ्री किल फॉर्टल सीजर्स किक आ, किक स्वीपर थ्रो इन बॉली बहुत सारे हैं तो ये जरूरत नहीं है इतनी याद करने की उतनी टर्मिनोलॉजी जितनी थी हमने वो पढ़ ली ओके चलो किसी का सवाल है तो फटाफट टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में और ये देख लो अगर आप अनकेडमी पर ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो अगर आप पीएससी को लेकर के सीरियस हो बहुत सारे एग्जाम्स हैं टेस्ट सीरीज़ है नोट्स हैं सब चीज़ आपको वहाँ पे मिलता है ये मेरे कोर्सेज हैं ठीक है ठीके? और अगर आप 15 तारीख वाला बैच छूट गया है तो 24 तारीख को आ रहा है इसको ज्वाइन कर सकते हो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश रेफरल कोड एच के लाइव है ना चलो कैसे करना होता है पता ही आपको ये कोड अप्लाई कर देना पैसा हो जाएगा कितना तिरसठ सौ रुपया और दो साल का सात हजार पांच सौ साठ रुपया यह है नंबर जिसपे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नंबर सेव करके हेलो जरूर बोल देना मुझे ताकि आपको पीडीएफ और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपका नाम ऐड कर लिया जाए बोलो बाबू अब कोई सवाल है तो पूछ लो चलो पूछो किसी से नंबर ये है ना भाई नंबर नोट डाउन कर लो और हेलो बोल देना मुझे ठीक है और फोन भी कर सकते हो तुम लोग मुझे इस नंबर पर एमपी जी के शुरू करो भाई तीस परसेंट से ज्यादा पूछते हैं रोहित देखिए रोहित जी अगर आप पीएससी निकालना चाहते हैं तो पीएससी बहुत आराम से निकाल सकते हैं बसरते अगर आप प्री की तैयारी करोगे तो फिर दिक्कत हो सही मैं बात बार बार वही बात बताता हूं आपको देखो आपको प्री के लिए स्पेशल तैयारी नहीं करनी है मैं एक बार फिर बोलता हूं अच्छा देखो अभी साढ़े तीन बजे एक सेशन आने वाला है ठीक है साढ़े तीन बजे एक दोबारा सेशन आएगा तुमको समझ में आ जाएगा कि पीएससी की तैयारी करनी कैसे है ठीक है तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि आपको पीएससी की थ्री तैयारी कैसे करनी है लेकिन ये अगर सिर्फ तुम पीएससी की प्री की तैयारी करोगे ना तो फिर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे आपको ये प्री की तैयारी करनी है बाबू मेन्स के साथ मेन्स के साथ तुमको तैयारी करनी है प्री की मेंस के साथ तैयारी करनी है अगर तुम अकेले प्री की तैयारी करोगे तो फिर फंस जाओगे फिर नहीं निकल पाएगा फिर प्रॉब्लम्स होंगी ठीक है चलिए किसी और का कुछ सवाल है क्या पूछ रहे हो गोल्डन बूट सबसे ज्यादा बार किसे मिला है आओ चलो अब किसी ने आदमी ने काम की सवाल पूछा आओ चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं भाई सबसे ज्यादा गोल्डन बूट किसे मिला है गिनो आओ देखिए चलिए गोल्डन बूट वाला हम खोलते हैं ये रहा गोल्डन बूट आओ बाबू देखो किसको मिला है गिनो बैठ के इसका स्नैपशॉट ले लो और गिनो बैठ के और जो भी आंसर होगा वो देख लेना ठीक है इकोनॉमी के लिए सजेस्ट करो इकोनॉमी तो तुमको पढ़नी पड़ेगी बाबू इकोनॉमी का कोर्स आ रहा है मेरा एक या डेढ़ महीने बाद आएगा तो ज्वाइन कर सकते हो फुटबॉल में अब तक कितने मैच जीते किस देश ने ये सब सवाल नहीं पूछा जाएगा हर अब जैसे मैं पूछ लूं कि भारत ने क्रिकेट में कितने मैच जीते हैं आज तक तो किस फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में अब जैसे आपने रहा कि किस देश ने कितने मैच जीते हैं तो बताओ किस फॉर्मेट में भाई संतोष ट्रॉफी में कॉन्फेडरेशन कप में या फिर कोपा में अमेरिका वालों ने कितने जीते हुए किस राज्य ने किस देश ने जीते वहां पे या फिर वर्ल्ड कप में पूछ लो तो ये अलग सा सवाल है ये सब सवाल नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा सर कोई ऐसा पैकेज नहीं है क्या जिसमें ऑल सब्सक्रिप्शन पर एमपीपीएससी के सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए बाबू यही तो है सब एक सब्सक्रिप्शन है उसी पर सारा कुछ क्लियर होता है ठीक है सात हज़ार सौ साठ का है जिससे पढ़ना है आप उससे पढ़ सकते हो पूरे अन एकेडमी पर पढ़ सकते हो एम पी में जो पढ़ना है जिससे पढ़ना है सब पढ़ सकते हो ठीक है और साथ में मेरा भी पढ़ सकते हो मेरे लिए मेरा अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है उसी का है सब्सक्रिप्शन ठीक है तो आप समझ रहे हैं तो ये करना कैसे है देख लो और किसी को डाउट होगा तो इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर लेगा ठीक है चलो आ, क्लास इनफ होगी क्या सर देखो यूट्यूब के भरोसे अगर तुम निकालना चाहते हो तो नहीं निकल पाएगा आ, मतलब मैं बता देता हूं कि YouTube के भरोसे अगर तुम बैठे हो तो नहीं निकल पाएगा सीरियसली बता रहा हूं फ्रैंकली बता रहा हूं कभी भी YouTube के भरोसे मत बैठना दोस्त किसी भी एग्जाम के लिए आगे क्या है आ, हिस्ट्री के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हो साढ़े तीन बजे मिली आप लोग साढ़े तीन बजे मिलिए आप आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है साढ़े तीन बजे आज मिलिए ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ठीक है ओके चलिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा और अन अकेडमी ज्वाइन करिए इस कोड के साथ एचके डी लाइव के साथ और अपने दोस्तों को भी करवाइए हम एक बहुत सारे बच्चे हजारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं अगर आप रह गए हैं तो आप भी ज्वाइन करिए और हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे चौबीस तारीख वाले बैच के लिए भूलिएगा मत मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो और अगर आप चाहते हैं कि एमपी MP, एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें यह जानना चाहते हैं साढ़े तीन बजे आज आज मिलिए पूरा कंप्लीट करेंगे हम कि किस तरीके से आप एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच